चलिए फटाफट अंदाज में 5 मिनट 25 अहम जिलों का रुख करेंगे। बरेली में मुफ्त खाना खिलाने पर पुलिस की गुंडाई, मुफ्त खाना खिलाने पर ढाबा मालिक को जमकर हड़काया, ढाबा मालिक ने आईजी से की शिकायत, आईजी ने दिए जांच के आदेश। आगरा में बेसिक शिक्षा विभाग ने किया खुलासा, प्राध्यापिका बिना स्कूल आए ले रही है वेतन, प्राध्यापिका और संबंधित दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश। देवरिया में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज की छात्राओं ने खोला मोर्चा, छात्राओं ने प्रधानाचार्य पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप, राज्य मंत्री से शिकायत, जांच के बाद होगा मुकदमा दर्ज। रायबरेली में एनटीपीसी ऊंचाहार की सबसे बड़ी इकाई में लीकेज के चलते 500 मेगावाट की इकाई बंद, यूनिट के बंद होने से विद्युत उत्पादन घटकर पहुंचा 840 मेगावाट। हमीरपुर के जिला अस्पताल पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, मंत्री के निजी सचिव ने किया रक्तदान, मंत्री ने लोगों से की रक्तदान करने की अपील। रुद्रप्रयाग में खाई में गिरने से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने किया शव बरामद, व्यक्ति केदारनाथ की यात्रा कर हो रहा था वापस। हमीरपुर के चिकासी थाना क्षेत्र में चला सफाई अभियान, सभी पुलिसकर्मियों ने थाना परिसर की करी सफाई, पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर चलाया जा रहा सफाई अभियान। गाजियाबाद में युवक के गुलाटी मारने का वीडियो हो रहा है वायरल, गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर युवक मार रहा था गुलाटी, पुलिस ने युवक को किया गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में मवेशियों से लदी ट्रक छोड़कर चालक फरार, वाहन बिगड़ने के कारण चालक हुआ फरार, ग्रामीणों की मदद से मवेशियों को ट्रक से निकाला गया बाहर। फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में दंपत्ति की मौत, झोपड़ी के अंदर मजदूर दंपत्ति का मिला शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हल्द्वानी में 4600 मकानों में चलेगा बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर हो रहा है अतिक्रमण, रेलवे को 23 करोड़ रुपए, जिला प्रशासन को देनी होगी मदद। लखनऊ में पुलिस ने 12 आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों ने गलत तरीके से सब इंस्पेक्टर का दिया था परीक्षा, आरोपियों से की जा रही है पूछताछ। आगरा में बदमाश और पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक की तलाश जारी, आरोपियों के पास से तमंचा, 2 बाइक और अन्य सामान भी बरामद। देहरादून में यातायात समस्या को लेकर पुलिस से शुरू करने जा रही मुहिम, यातायात को लेकर आम जनता को हो रही परेशानी, नियम तोड़ने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। बागपत में शराब माफिया हरेंद्र पहलवान की 13,16,000 रुपए की संपत्ति कुर्क, डीएम बागपत के आदेश के बाद की गई कार्रवाई। आगरा में लंबे समय से पानी न मिलने पर लोगों में आक्रोश, महिलाओं ने जलकल विभाग पहुंचकर किया जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ में पुलिस ने 2 ठगों को किया गिरफ्तार, विदेश जाने वाले युवाओं को फर्जी दस्तावेज बनाकर करते थे लाखों की ठगी, आरोपियों से 2,25,000 रुपए मोबाइल भी बरामद। अमेठी हाईकोर्ट के आदेश के बाद हरकत में आया तहसील प्रशासन, ग्राम समाज की जमीन पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, तहसीलदार राजस्व टीम मौके पर मौजूद। गाजियाबाद में स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस की कोशिश के बावजूद नहीं थम रहा खतरनाक स्टंटबाजी, जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे थे युवा। अलीगढ़ में निजी अस्पताल के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नकाबपोश बदमाश, सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद, वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा वायरल। फतेहपुर में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर, हादसे में पिता और मासूम बच्ची की मौत, 2 लोग गंभीर तौर पर घायल, मौके पर पहुंची पुलिस, घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। ललितपुर में सड़क हादसे में पत्नी की मौत के बाद घायल 8 महीने के नवजात की मौत, हादसे के बाद पिता ने फांसी लगाकर दे दी जान। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक पैरामाउंट सोसाइटी में बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, सोसाइटी के लोगों ने किया प्रदर्शन, बिल्डर की ओर से मेंटेनेंस एओए को हैंडओवर न करने को लेकर कर रहे प्रदर्शन। महुआ में कलयुगी बेटे ने मां को घर से किया बेघर, बेटे आए दिन करते थे मां से मारपीट, बेसहारा पति के साथ पहुंची वृद्धाश्रम। बिजनौर में पुलिस ने की बड़ी पहल, 212 जगहों पर चौपाल लगाकर महिला के अधिकारों के लिए चलाया जागरूकता अभियान, पुलिस के आला अधिकारी ग्रामीण महिलाओं से हुए रूबरू।